अगर आपका जन्म सितंबर महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 5, 14 और 23 तारीख को जन्म लोगों का मूलांक होता है 5 और उसके स्वामी ग्रह हैं बुध देव। वहीं सितंबर के महीने को कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है जिसे बुध देव अपनी क्रूर दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर क्रूर दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में मानसिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होगा, हर कार्य अपनी बुद्धि से अपनी चतुराई से पूर्ण करेगा। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, अतः आप लोगों पर बुध देव का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है, प्रखर होती है। ये लोग जिनके भी संपर्क में आते हैं उनके बारे में स्पष्ट राय कायम रखते हैं। सभी व्यापारिक मामलों में इनका निर्णय उपयुक्त होता है, उत्तम होता है। इन पर अपना निर्णय थोपना आसान नहीं है, इन्हें धोखा देना भी आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति प्रायः सभी कार्य क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाते हैं। अत्यधिक उत्साही होने के कारण ये लोग दो नावों में सवार होने में भी देर नहीं लगाते हैं। इनके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं, अच्छे कूटनीतिक साबित होते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण भौतिकवादी होता है। ये लोग सभी बातों को अपने ही नजरिए से, अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। ये लोग एक अच्छे आलोचक होते हैं, कमजोर पक्ष को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। याददाश्त तो इनकी तेज होती ही है, इनकी भाषा पर भी अच्छी पकड़ होती है। गंभीर विचारक होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। मित्रों का चुनाव भी बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं, वास्तविकता में जीने वाले। अपनी भावनाओं पर ये लोग पूरा नियंत्रण रखते हैं, सरलता से किसी के भी प्रेम जाल में फंसते नहीं हैं, और अगर प्रेम में पड़ जाए तो पूरी ईमानदारी से निभाते भी हैं। लेकिन अपने साथी से हर बात में बहस करते, तर्क वितर्क करते आपको जरूर नजर आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति धन को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, बहुत ही सावधानी से और सोच समझ कर खर्चा करते हैं। ऐसे लोग अच्छे साहूकार, अच्छे लेखाकार, जहाँ पर धन संबंधी, हिसाब किताब संबंधी, लाभ हानि संबंधी कार्य होते हैं, वहाँ पर ये लोग देखे जा सकते हैं। व्यवसाय में ये लोग सफल रहते हैं। एक अच्छा वकील, साहित्य समीक्षक, कला समीक्षक, वैज्ञानिक भी साबित हो सकते हैं। इनकी खोजी प्रवृत्ति, वाद विवाद और आलोचना करने की आदत इन्हें उत्तम श्रेणी का इन्वेस्टिगेटर बना देती है। कई बार तो ये लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वार्थी तक हो जाते हैं। यदि इनमें धन के प्रति मोह पैदा हो जाए तो धन पाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वैसे ये अपने आप को परिस्थिति के अनुसार आसानी से ढाल लेते हैं। जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उन पर कड़ी नजर भी रखते हैं। धोखा देना इन्हें आसान नहीं है। आत्मविश्वास इनमें भरपूर होता है, दूरदर्शी है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी, विश्लेषणपूर्ण, संदेहात्मक, चतुर और पार की नजर लिए होता है। इनकी बात में वजन होता है। ऐसे व्यक्ति हर बात की गहराई में जाने की समझ रखते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण ही इन्हें इनके उद्देश्य से कोई भी नहीं भटका सकता है। जो भी कार्य करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं। एक बार इन्हें अपना उद्देश्य मिल जाए तो ये अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठते हैं। ये लोग पद और प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान करते हैं, हर कार्य कानून के दायरे में रहकर करते हैं, कानून को पूरा सम्मान देते हैं, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने घर को सुरुचिपूर्ण तरीके से रखते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान देते हैं, सदैव युवा बने रहते हैं। इनके चेहरे से इनकी आयु का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। प्रेम के मामले में भी इन लोगों को समझ पाना बेहद मुश्किल है। बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छे स्त्री पुरुष ये लोग हो सकते हैं। अपने प्रारंभ के वर्षों में ये बहुत ही सरल हृदय और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि इनके विचारों या इनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आता भी है तो वो बदले की भावना से प्रेरित होकर, तब ये एकदम विपरीत प्रवृत्ति के बन जाते हैं। लेकिन जल्दी ही अपनी इस गलती में सुधार भी कर लेते हैं, क्योंकि ये नियम और कानून को मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वही काम करने में आनंद आता है जिसमें दूसरे लोग असफल साबित हो जाते हैं। स्वयं अंतर्मुखी स्वभाव लिए होते हैं लेकिन दूसरों को आसानी से पढ़ लेते हैं। ये पुरानी मान्यताओं पर चलने वाले लोग होते हैं, नए नियमों का निर्धारण ये लोग नहीं करते हैं।
मूलांक पांच फलों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक पांच पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 5, 14 और 23 सितंबर में जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। बुध, जो कि हमारी बुद्धि है, चातुर्य है, विवेक है, ज्ञान है, संयम है, बुध व्यापार है, व्यवसाय है। बुध हमारी तार्किक बुद्धि को दर्शाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। बुध हमारे साहस, हमारे उत्साह का भी सूचक है। बुध हमारी आजादी का, हमारे आनंद को दर्शाने वाला ग्रह है। बुध आशावादी होना दर्शाता है। बुध के प्रभाव के कारण ही एक व्यक्ति अच्छी बुद्धि, एक चातुर्य पूर्वक विवेक प्राप्त करता है। अपनी समझदारी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये लोग दूसरों पर अपना इम्प्रेशन जमाए रखने में सफल साबित होते हैं। चिंतन, ज्ञान, विश्लेषण, स्मरण शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य और व्यापार का अच्छा ज्ञान, लाभ हानि में सामंजस्य बिठाने की कला बुध से प्रभावित व्यक्तियों में भली भांति होती है। इनके बातचीत की कला ऐसी होती है कि सामने वाले आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग सोचने, समझने और बोलने में कभी भी मार नहीं खाते हैं। बात अगर कन्या राशि के बुध वाले लोगों की कर ली जाए, तो कन्या राशि के बुध वाले लोग मिथुन राशि के बुध वाले लोगों से भिन्न प्रवृत्ति लिए होते हैं। इसे समझने के लिए आप कन्या राशि के प्रतीक चिन्ह को देखिए। ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं, सेवाभावी होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। हर समस्या का समाधान इनके पास होता है। इनका विश्लेषण स्पष्ट होता है, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा लिए गए डिसीजन वास्तविकता पर आधारित होते हैं। नए नए विषयों में ज्ञान हासिल करने में इनकी विशेष रुचि रहती है। लोगों में मीन मेक निकालना, दूसरों की बुराई करना इनके स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। बेमेल वस्तुओं पर इनका ध्यान सबसे पहले जाता है। वैसे ये लोग अच्छे वक्ताओं को सुनना पसंद करते हैं। बात अगर इनके प्रेम प्रसंगों की कर ली जाए, तो एक और मिथुन राशि के बुध वालों के प्रेम प्रसंग काफी सुनने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर कन्या राशि के बुध वाले व्यवहारिक ज्यादा होते हैं, भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बहते हैं। प्रेम संबंधों में भी ज्यादातर ये लोग उदासीन ही रहते हैं। भले ही इनके भीतर प्रेम का कितना भी गहरा भाव छिपा हो, लेकिन भावुक ये तब भी नहीं होते हैं। दिखावे से ये लोग दूर भागते हैं, प्रेम जाल में आसानी से फंसते नहीं हैं। विवाह के बाद भी शुरुआती दौर में यौन आकर्षण इनके बीच बना रहता है, फिर धीरे धीरे ये लोग दुनियादारी में व्यस्त होते चले जाते हैं। हाँ, लेकिन गलतियां निकालने में, आलोचना करने में, बहसबाजी करने में ये कभी भी बाज नहीं आते हैं। आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, तो ज्यादातर ये लोग आपको दो नावों में सवार दिखाई देंगे। ऐसा काम तलाशते हैं जिसमें ये बहुत जल्दी और बिना परिश्रम के धन कमा सकें। सट्टेबाजी, लॉटरी, शेयर खरीदना बेचना, चिट फंड कंपनी, कंपनी प्रमोटर्स के रूप में या फिर कंपनीज में नई नई स्कीमों में से ये लोग लाभ उठाना चाहते हैं। चाहे कितनी भी सफलता ये लोग प्राप्त कर लें, संतुष्ट नहीं होते हैं। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा भी ये लोग मोटे तौर पर इन्वेस्ट करके जोखिम उठाते हैं और कई बार उसमें नुकसान भी उठा लेते हैं, जिस कारण इनके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर बने रहते हैं। वैसे ये लोग एक अच्छे गणितज्ञ साबित होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सफल होते हैं। लाभ हानि ऑडिटिंग संबंधी प्रोफेशन में ये लोग काम करते देखे गए हैं। ये लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन या एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी साबित होते हैं, एक अच्छे रिसर्चर, लॉयर, कंट्रोलर भी साबित हो सकते हैं। धन का खर्चा भी बहुत सोच समझ कर करते हैं, नफा नुकसान देखकर ही खर्चा करते हैं, कैलकुलेशन करने में माहिर होते हैं। लोगों से संबंध भी ये इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मेंटेन करते हैं। कुंडली में बुध अगर खराब स्थिति में हुआ, तो ऐसे व्यक्ति की बोलने की क्षमता में दोष होगा, उनकी वाणी में दोष होगा। अपनी बात को ये लोगों को समझा नहीं पाएंगे, पढ़ाई में बच्चों का दिल नहीं लगेगा, व्यापार कर्जे में डूबता नजर आएगा, स्किन प्रॉब्लम, स्किन रैशेस बढ़ सकती है। आपको अपने प्रोफेशन में कदम कदम पर समस्याएं आएंगी, जिस कारण लोग आपसे बात करने में भी कतराने लगेंगे, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। ऐसे में आपको तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, हरे रंग को अपने दैनिक जीवनचर्या में ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। बुधवार के दिन हो सके तो हरा कपड़ा अवश्य धारण करें।
वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 4, 6 और 8 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 अप्रैल से 27 जून, 19 फरवरी से 27 मार्च, 21 अगस्त से 27 सितंबर और 21 दिसंबर से 27 फरवरी के मध्य जन्म लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है, और अगर इसी समय के बीच में आपके जीवन साथी का, आपके साथी का मूलांक भी 1, 4, 6 या 8 पड़ता है तो ये सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 5, 14 या 23 तारीख को कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 5, 14 और 23 सितंबर में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रोमन सम्राट ऑगस्टस, जूलियस सीजर, जेसी जेम्स, कैट ग्राहम, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, फ्रेडी मर्करी, माइकल कीटन, रे चार्ल्स, एंथोनी मैकी, लीना मेडिना, मेहताब कौर, राम जेठ मलानी, मोहन चंद शर्मा, अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, रामधारी सिंह दिनकर, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, कुमार शानू, प्रेम चोपड़ा, तनुजा, विदु विनोद चोपड़ा, श्रीजीत मुखर्जी, लक्ष्मी पार्वती, केएनटी शास्त्री, योगेंद्र यादव। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।